अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी चाहत शेख और मैं अहमद वकार अपने प्रोग्राम सफर के साथ। सफर का आज दूसरा शो पेशे खिदमत है। उम्मीद है पहला शो आपको पसंद आया होगा। पहले शो में हो सकता है हमसे कुछ खामियां सरजद हो गई हो, लेकिन आपके फीडबैक और आपके कमेंट से हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हर आने वाला नया शो पिछले शो से बेहतर होता चला जाएगा। जी तो नाज़रीन, आज अपने शो में हम जिस लीजेंड फनकार का जिक्र करेंगे वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अपने फन से लोगों के दिलों पर राज करने वाला फनकार सईद खान यानी रंगीला। झलकी दिखला के दिल ले लिया, बिजली गिरा के दिल ले लिया, वो मर गई मुझसे हाय अल्लाह हाय 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 अल्लाह। झलकी दिखला के दिल ले लिया, ओए बिजली गिरा के दिल ले लिया, वो मर गई मुझसे हाय अल्लाह हाय 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 अल्लाह हाय अल्लाह। आइए आज फिल्म स्टार रंगीला के फनी सफर को जानते हैं। ओए दोवें फुगू क्यों हो गए हो, कुछ सुनाओ कुछ गाओ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और वर्सटाइल अदाकार रंगीला, जिनका असल नाम सईद खान था। सईद खान रंगीला ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खुद को एक्टर, डायरेक्टर और गुलकार के तौर पर मनवाया और करोड़ों दिलों पर राज किया। वो पाकिस्तान के सफ़ेवल के मजाहिया अदाकारों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपने चार दहाइयों पर मुहित फनी कैरियर में 300 से ज़ायद फिल्मों में अपने फ़न के जौहर दिखाए। सईद खान रंगीला यकम जनवरी 1937 को केपीके के इलाका कुरम एजेंसी में पैदा हुए। जब सईद खान रंगीला बहुत छोटे थे तो उनका खानदान पिशावर मुंतकिल हो गया। लड़कपन में सईद खान रंगीला को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। सईद खान अवाइल उम्र में ही लाहौर आ गए और लाहौर में फिल्मों के बोर्ड लिखकर गुजर औकात करने लगे। एक दफा जब एक फिल्म की अक्सबंदी हो रही थी, फिल्म के लिए एक मजाहिया किरदार की जरूरत थी। फिल्म डायरेक्टर की सईद खान पर नजर पड़ी तो उसने सईद खान को ये किरदार करने के लिए कहा। सईद खान ने वो किरदार ऐसे किया कि वहाँ मौजूद तमाम लोग दंग रह गए और इस तरह सईद खान अपनी खुशकिस्मती और फन से अदाकार बन गए। रंगीला ने अपने फनी कैरियर की पहली फिल्म 1958 में की, जिसका नाम चट्टी था। इस पंजाबी फिल्म के डायरेक्टर एम जे राणा थे। दोस्तों मेरे भाइयों, मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे अपने अंजुमन का सदर बनाया है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा, तमाम जानवरों के हुकूक की हिफाजत करूंगा और उन इंसानों के हुकूक की हिफाजत भी करूंगा जो इस दुनिया में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, इंसानों ने हमेशा आपको गलत समझा है। आपने कभी सोचा, अरे पागल दे पुत्र जरा सोचो, तुम इंसानों को बड़ी बड़ी शह समझते हो लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इंसान बड़ा चालाक है, वो जरूरत के लिए हमको बाप भी बना लेता है। खमोश खमोश, ये नारे लगाने का वक्त नहीं, ये अमल दरामद का वक्त है, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। आगे आ जाइए, दूसरे को तुम से मत मारिए, गलतियां मत झाड़िए, बदनामी मत फैलाइए और गौर से मेरी बातों को सुनिए। तो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें की दसा, ऐ सुनिए की होंगे, दौलत की खातर भाई भाई का गला काटता है, जिस रख की छाव में बैठता है उसी को काट देता है और जिसको ना पसंद करता है पहले उन्हें सीढ़ी पे चढ़ाता है, फिर तले सीढ़ी खींचता है, वो बेचारा मुंह में पा दिखता है, उन्हें चुकने टूट जाते हैं, वो खंजो गंदी रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो मेरे तुमदार दोस्तों,
अपने अपने कान खड़े कर लो, अपनी पूछ नाल मक्खियां झाड़ो, तो मेरी बात को गौर से सुनो। हम हजारों सालों से इंसान की खिदमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन इंसान ने हमें उसका सिला क्या दिया है कि हमारे नाम को काली बना दिया है। अगर एक इंसान बेवकूफ होता है तो दूसरे इंसान उसे गधा कहता है, खोते का खुर्दी कहता है। यह हमारी इज्जत है और यह हमारी इंसल्ट है। लेकिन इंसान यह भी कहता है कि गधे पर किताबें ला दी जाए तो गधा गधा ही रहता है, अकलमंद नहीं बनता। लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है और मैं ये कहता हूँ कि काश इंसान किताबें पढ़कर अकलमंद न बनता, गधा ही रहता, तो फिर क्या होता? अगर अकलमंद न बनता, गधा ही रहता, फिर क्या होता? ना बम फटते, ना टैंक चलते, ना खून की नदियां बहती, ना बच्चे यतीम होते और ना औरतें बेवा होती, ना औरतें बेवा होती। ১৯৬৯ में रंगीला ने रंगीला प्रोडक्शंस के नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया ताकि वो खुद फिल्में बना सके। रंगीला ने ना सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस की बल्कि वो फिल्मों में डायरेक्शन भी देते रहे, गाने भी गाए और बहुत सी फिल्मों के स्क्रिप्ट भी लिखे। रंगीला की बनाई हुई फिल्मों ने एक बार फिर फिल्मी हलकों में हलचल मचा दी और करोड़ों लोगों को अपने फन का गर्विदा बना लिया। 9 मई 1969 को रिलीज होने वाली फिल्म दिया और तूफान से रंगीला ने डायरेक्टर के तौर पर अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। रंगीला ने रंगीला प्रोडक्शंस के बैनर तले दर्जनों फिल्में बनाई। 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म रंगीला में टाइटल रोल किया जिसको बहुत पसंदीदाई मिली। रंगीला की तीसरी सुपरहिट फिल्म दिल और दुनिया थी जो 1971 में रिलीज हुई, जिसमें फिल्म स्टार हबीब, आसिया और रंगीला ने यादगार किरदार अदा किए। फिल्म दिल और दुनिया में लगा कि रंगीला मजे हुए डायरेक्टर है। इस फिल्म के बाद रंगीला फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब तरीन हदायतकारों की सफ में आ गए। जब रंगीला ने फिल्म दिया और तूफान बनाई तो इसमें एक गाना गाया, गा मेरे मनवा गाता जाने, जो आज भी हर दिल अजीज है। जब रंगीला फिल्म बना रहे थे तो इंडस्ट्री के नाकुदीन ने फिल्म पर शदीद तनकीद की। फिल्म बीनों ने फिल्म को बहुत पजीराई दी और गाना भी हर दिल अजीज हुआ। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम पारू, हर गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम पारू। ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा, अरे ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर, अपनी डगरिया है दूर। हर गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना हम दूर। रंगीला की फनी खिदमात के इतराफ में इन्हें बहुत से अवार्ड दिए गए। 1970 में फिल्म रंगीला के लिए बेस्ट स्क्रीन राइटर का निगार अवार्ड, 1971 में फिल्म दिल और दुनिया के लिए बेस्ट कॉमेडियन का निगार अवार्ड, 1973 में फिल्म इंसान और गधा के लिए बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड, 1972 में फिल्म मेरी जिंदगी है नरमा में 3 रोल करने पर स्पेशल निगार अवार्ड, 1982 में फिल्म नौकर पे मालक में बेस्ट कॉमिक रोल अवार्ड, 1983 में फिल्म सोना चांदी के लिए बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड, इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, 1984 में फिल्म मिस कोलंबो के लिए बेस्ट कॉमेडियन। रंगीला ने 3 शादियां की और रंगीला के 6 बेटे और 6 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी अमेरिका में सीपीए अकाउंटेंट है, दूसरी बेटी फरादीबा पॉलिटिशियन है। उनके 2 बेटे कामरान और जहांजेब ने भी कुछ फिल्मों में काम किया है। हर दिल अजीज और हर चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल बिखेरने वाला रंगीला 24 मई 2005 में 68 साल की उम्र में अपने मद्दाहों को सोगवार छोड़कर
हाल की हकीकी से जा मिला। रंगीला तो इस फानी दुनिया से चला गया, लेकिन अपने फन और महसूस मजाही अंदाज की वजह से आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। रंगीला जैसे फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं। वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपने फन की छाप हमेशा के लिए दिलों पर छोड़ जाते हैं। ये था हमारा दूसरा शो, जिसमें हमने रंगीला साहब के फनी सफर का मुख्तसरन जायजा लिया है। हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम को आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प बनाए। अगर कहीं कोई कमी रह गई तो आपके फीडबैक से हम उसको भी पूरा कर देंगे। और आपका फीडबैक हमें मदद देगा आने वाले नए प्रोग्राम्स को बेहतरीन बनाने में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, चलते चलते सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। शुक्रिया।